सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। नह चिंता मात पित प्रातें, नह चिंता कछ लोक कह, नह चिंता बनता सुतमी तें, प्रवृत माया संबंधन। नह चिंता मात पित प्रातें, नह चिंता कछ लोक कह, नह चिंता बनता सुतमी तें, प्रवृत्त माया संबंधन। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतिपालक है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतिपालक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल, गुरगति ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हलत पलत दे रखियक, लोक प्रलोक दे सहायक हाजर नाजर, तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होई बैठे, गुरु सवारे गुरु प्यारे सत्संगी जिनों आप वडभागे हो, अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन गुरमुख प्यारियां पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ थाल लंडन विखे विशेष तौर पर पिछले कुछ हफ्तों तो दीवान सज रहे हैं। शहीदों के सरताज शांति दे पुंज बाणी के बोहिथा धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी के पावन शहादत पुरब को मुख रखदियां ये रोजाना दीवान सजते हैं। गुरुद्वारा साहब की इसत्री सत्संग सभा अते समूह साध संगत वालों विशेष तौर पर संगती रूप में श्री सुखमनी साहब जी के पाठ किए जाते हैं। अमृतमयी सुखमनी साहब बाणी के पाठ उपरंत आप जी ने गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन सरवण किया है। इस तो उपरंत रोजाना की तरह पंचम पातशाह जी की पावन शहादत को मुख रखद पंचम गुरुदेव जी के उच्चारण किए गए सहसकृति श्लोकों की विचार के नाल सांझ पाइए। पावन बचनों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला बड़े ही प्यार अदब सहित रसपन्नी आवाज विच सतगुरु जी की असीस हासिल करिए। गुरबाणी की उस तुक का गायन करिए जिहड़ी असीं रोजाना करते हाँ। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, करो कृपा ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। पंचम गुरुदेव जी के पावन शहादत पुरब को मुख रखदियां सहसकृति श्लोकों की विचार
सतगुरु जी के जीवन के कुछ घटनावां दे नाल सांझ पावांगे। आप सब माई भाई मनां नूं गुरचरणां विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुरशब्द नाल जोड़ो, प्रभ की उस्तत करो, संत मीत सावधान एकाग्र चीत दे मां वाक अनुसार बड़े ही प्यार अदब सहित अरसपनी आवाज विच उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारविंद तो उचारण अज के अमृतमई बचन संस्कृती श्लोकों में धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1355 उपर सुशोभित हैं। 15वें श्लोक तो अज की विचार आरंभ है। सतगुरु जी ने मेहरामत की, इस जगत में चिंतावान व्यर्थ ने। कोई माँ प्यो की चिंता करता है, कोई अपने भरावान की फिक्र करी जाता है, कोई दुनिया की परवाह करी जाता है। कुछ मनुख ऐसे ने जिहड़े पत्नी ते बच्चियां दी रोजी रोटी की चिंता करते हैं, कुछ मित्रां दी, क्योंकि सारे संबंध माया नाल जुड़े हुए ने, ते लोग चिंता करते हैं किवें बनेगा साडा, साडा की बनेगा, साडे बच्चों का की बनेगा, साडे परिवार का की बनेगा, मेरे घर का, मेरी जमीन का की बनेगा, मेरे मित्रां का की बनेगा। सतगुरु जी के बचन, नह चिंता मात पित प्रातें, नह चिंता कछ लोक कह, नह चिंता बनता सुपमीत, प्रवृत्त माया संबंधन। नह चिंता मात पित प्राप्त, नह चिंता कछ लोक कह। कहने लगे माता पिता की चिंता ना कर, भरावान की चिंता करनी व्यर्थ है, दुनिया की परवाह करनी व्यर्थ है। नह चिंता बनता सुतमीत, बनता मैंने पत्नी, सुत मैंने पुत्र, पत्नी दी धियां पुत्रां दी चिंता व्यर्थ है, मीता है मैंने मित्रां दी चिंता व्यर्थ है, प्रवृत्त माया संबंध ने। इस सारे संबंध माया दी प्रवृत्ति करके ने, माया नाल जुड़े हुए सारे संबंध ने, ते इन्हां सारे संबंधां दी चिंता करनी के की बनेगा मेरे माता पिता दा, की बनेगा मेरे धियां पुत्रां दा। मनुख चिंतावां विच जिंदगी व्यर्थ गवा जांदा है। जिंदगी विच दो चीज़ां हमेशा रहनगियां जिन्ना चिर मनुख जिउंदा है, दो चीज़ां हमेशा ने, एक है हुण, दूसरा है इत्थे, नाओ एंड हीयर, हुण ते इत्थे। सदा नाओ रहेगा, हुण रहेगा, कल कदी नहीं आएगा, ते जिहड़ा आउण वाला कल भी नहीं आएगा, ना पास्ट आएगा कदी, ना फ्यूचर आएगा, सदा प्रेजेंट ही रहेगा। हुण इस पल, हमेशा ये पल रहेगा, कदी किसी का अतीत वापस नहीं आया, कदी किसी का माजी वो कोल नहीं आया, ना तो असी अपने अतीत नू, अपने लंघ चुके भूतकाल नू लिया सकते हैं, तो ना असी भविख विच छाल मार सकते हैं, ना कल कदी आएगा तो ना आया सी, हुण हमेशा हुण रहेगा, ये प्रेजेंट। दूसरा इत्थे हेयर, जिथे भी जाओगे इत्थे ही रहोगे, इंडिया जाओगे तो भी उत्थे जाके भी इत्थे ही रहोगे, इंग्लैंड जाओगे, अमेरिका जाओगे, इत्थे ही, जिथे मनुख खड़ा है इत्थे ही रहेगा, उत्थे कदी नहीं हो सकता। तो मनुख का सुभाव की है, वह हुण विच नहीं जीउंदा, जां ते लंघ चुके कल विच जीउंदा, जां आउण वाले कल विच जीउंदा है, जां लंघ चुके का पछतावा करता है, जां आउण वाले दे समय की चिंता करता है, जिहड़ा हुण चल रहा है पल उहदे विच जी नहीं रहा। ते दूसरा, मनुख इत्थे नहीं रहिंदा, जां लंघ चुके थावां दीआं चिंतावां कर रहे है, जां आउण वाले जिथे जाणा है उत्थे दीआं चिंतावां कर रहे है, इस पल जिथे है उत्थे नहीं रहिंदा। नाओ एंड हीयर, हुण ते इत्थे, ये दो चीज़ां हमेशा रहणगियां, पर मनुख इस प्रेजेंट नूं लंघ चुके समय दे पछतावे ते आउण वाले समय की चिंता दे विच व्यर्थ गवा दिंदा है। सतगुरु पातशाह जी ने एक सिख नूं हदायत दित्ती, सिखा याद रख, चिंतावां विच जीवियां कदी जीवन नहीं हुंदा, तू अपना ये पल भी गवा बैंदा, जिस पल नूं जीना हुंदा उहनूं भी गवा बैठदा, क्यों? चिंतावां दे विच, ते चिंता ऐसी है वो साडे इस पल नूं ही नहीं खांदी, एक एक पल करके पूरे जीवन नूं खा जांदी है। चिंता वो चीज़ है, फारसी का एक बड़ा प्यारा शेर है और बुझारत है फारसी की,
कि मैं ऐसा एक पंछी देखी है जिदे खंभ भी नहीं, ऐसा पंछी देखी है जिदे पैर भी नहीं, यक मुर्ख दीदम ना पाओ ना पर, ना अल शिकमे मादर ना तुखमे पदर, जिन्हों माँ प्यो ने नहीं जमया जिदा घर कोई नहीं है, ऐसा एक पंछी देखी है ना बर आसमां ना जेरे जमीन, ना ते आसमाना च उड़द ना वो जमीन ते रेंद, ना बर आसमां ना जेरे जमीन, हमेशा खुरद गोश्त आदमी, पर मनुख का मास खा के जीवद है वह पंछी। वह केड़ा पंछी है? वह पंछी है चिंता। चिंता वह पंछी है जिन्हों किसी ने पैदा नहीं किया, जिदी ना माँ है ना जिदा प्यो है ना जिदा घर है। चिंता वह पंछी है ना जमीन ते रहिंदा ना आसमाना छुड़द, मनुख के अंदर ही बसिया अंदर में खाई चला जाता है। यह चिंता मनुख की सारी जिंदगी खा जाता है, मनुख का मास खा जाता है। हमेशा खुरद गोश्त आदमी, बस मनुख का मास खाने वाला यह चिंता वह पंछी है। याद रखियो दो लफ्ज बड़े नेड़े देने, एक चिंता एक चिता। चिता मैने चिखा जिदे उपर मुरदियां नू साड़दे ने, उन्हों कहिंदे चिखा। चिता ते चिंता नेड़े दे लफ्ज ने और दोनों का कम साड़ना है। चिता भी साड़ दिंदी है, चिंता भी साड़ती है, पर दोनों विच एक अंतर बड़ा है, एक फर्क है दोनों च। एक गुण दोनों का बराबर है, चिंता भी साड़ती है चिखा चिता भी साड़ती है, पर एक बड़ा वड्डा फर्क है। वह फर्क कहड़ा है? चिता तो सिर्फ एको बार जिंदगी साड़ती है इस शरीर को, चिंता रोज ही साड़ी चली जाती है, सवेरे भी साड़ती है, दोपहर भी, शाम भी, रात भी नहीं सौन दिंदी है। चिंता चिता बराबरी दोनों एक समान, चिता तो जल बुझ गई चिंता अमन अमान। चिता ते सड़दी है, बुझ जाती, ठंडी हो जाती है, आ चिंता नहीं ठंडा होने दिंदी, चिंता साड़े चली जाती है, यह नहीं रुकती। काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन ते तलाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया, सन्नी चिंत पई, चिंता की सन्नी ने मन चारे पास्यो फटफट के साड़िया होया है। मनुख सड़द है, चिंता है किस चीज की? याद रखियो गरीब आदमी दुखी जरूर होंदे, पर उहदे कोल आस हुंदी कि शायद कदी दौलत मिल जाए तो मैं सुखी हो जावां, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। गरीब आदमी दुखी होंदे चिंतित नहीं होंदा, अमीर आदमी चिंतित होंदे दुखी नहीं होंदा। गरीब आदमी दुखी है क्योंकि उहदे कोल गरीबी है, तो उहदे कोल कोई ना कोई आस है कि कदी ना कदी रोटी मिलेगी तो मैं खावांगा। अमीर आदमी कोल ते रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, पर उहदे कोल चिंता है, चिंता च सुखी नहीं रहिंदा। दो तरह के लोग ने, एक जिहदे कोल कुछ भी नहीं वह बेचारा दुख दे विच भटकदा फिरदा है, जिहदे कोल सारा कुछ है सुखी वह भी नहीं रहिंदा, वह चिंतावां विच जिंदगी जिउंदा है। मता मेरी कोई माया मंग ना ले, मता इनकम टैक्स की रेड ना पै जाए, मता चोरी ना हो जाए। जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिदे कोल अमीरी है उहदे कोल चिंता माने। जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरिया प्रमंता। जिदे कोल माया थोड़ी वह भी बेचारा भटकदा है, की बनेगा मेरे बच्चों का, की बनेगा मेरी रोजी रोटी का। अमीर भी चिंता विच है, गरीब भी दुखी है, दोनों की जिंदगी विच कुछ ना कुछ है। गरीब हुंदा है ते रोटी की खातर तरसदा है कि मेरे बच्चों नूं रोटी मिल जाए, अमीर हुंदा है चिंता करदा है फिर कि मेरे तो कोई खो ना लवे। दोनों ही चिंतावां च, दोनों ही दुखां दे विच जी रहे ने। एक बराबर दे विचकारला मिलदी जिंदगी है, मेरे मालका मेरे ते कृपा करी, मैं इन्ना गरीब ना होवां कि रात मेरे बच्चे भुखे सौण, ते मैनूं इन्ना भी अमीर ना कर दी मैं रात बोतल खोली बैठा होवां, उन्ना को दई मेरे बच्चे भी रज के सौन, ते मैं भी नशे ना कर सकां, मैं भी पाप ना कर सकां, घर विच थुड़े ना, वादू जुड़े ना, ते भुखा मुड़े ना। एक विचकारला रस्ता है, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरै प्रमंता, दोहूं विवस्था ते जो मुक्ता, सोई सुहेला पालीए, जिहड़ा दोनों अवस्थावां तो मुक्त है सुखी होवे। जिहदे घर विच थुड़दा नहीं, भुखा आया मुड़दा नहीं, ते वादू जुड़दा नहीं, आई चलाई हैंड टू माउथ, कमाया ते खाया,
वो निश्चिंत होकर सौंदा है। वो उसकी जिंदगी एक गुण आता जिसकी जिंदगी सबर हो, जिसकी जिंदगी संतोख हो। नहीं तो मनुख नू इस माया की दौड़ ने दौड़ा के रखे है। ये सारिया चिंतावां क्यों ने? नह चिंता बनता सुतमीत है, प्रवृत्त माया संबंध ने। यह माया के संबंधा की एक दौड़ है, माया की दौड़ के दुखी हो चला जाता है। अज मनुख की जिंदगी मानसिक तौर पर इन्नी परेशान हो गई है, मानसिक तौर पर मनुख इन्ना दुखी हो गया है कि इस दौड़ दे विच अज मनुख नू फड़ना होवे ते लैंडलाइन फोन तो नहीं फड़िया जा सकता, मोबाइल ते गल करनी पैंदी है। मोबाइल मैंने तुरदा फिरदा फोन, मनुख दौड़ रहा है, इन दौड़दे फोन तो ही फड़ना पैना है। मोबाइल नाल ही गल हो सकती है, लैंडलाइन ते मिलदा ही नहीं है। मोबाइल ही फास्ट नहीं, इहदी लाइफ भी मोबाइल वर्गी फास्ट हो गई। ते लाइफ ही केवल फास्ट नहीं, घरे बैठ के भोजन भी नहीं कर सकता, फूड भी नू फास्ट खाना पैंदा है। फास्ट लाइफ है, फास्ट ही फूड है। गड्डी च जांदे जांदे कॉफी पी रहे है, तुरिया जांदे बर्गर लेके खा रहे है। फास्ट लाइफ है, फास्ट ही फूड है। दौड़ रहे है, दौड़ रहे है, पर ऐसी दौड़ दौड़ रहे है जिहड़ी गोल दायरे विच है, जिहदी मंजिल कदी भी नहीं आउंदी हुंदी। मन जिवें हिरन की दौड़, प्यासा हिरन तपते रेगिस्तान दे विच दौड़दा है, उन्हों दूर रेत की चमक नज़र आती है। इस तरह लगता है जिवें पानी का सरोवर होवे ते प्यास उन्हों लगी हुई है। चमकती रेत नू पानी का सरोवर समझदा है ते तुरिया जांदा है कि मैं पानी तक पहुँचांगा, पानी पीवांगा, मेरी प्यास मिट जाएगी। जिवें जिवें तुरदा है रेत की चमक अगे तुरदी चली जाती है, सवेर तो दोपहर, दोपहर तो शाम हो जाती है, इस सरोवर तक कदी भी नहीं पहुँच पाता। मैं भी सफर में हूँ, मेरी मंजिल भी सफर में है। मैं तो जा ही रहा सी, मंजिल भी उत्थे नहीं खड़ी, वो होके होर चली जाती है, मंजिल भी अगे चली जाती है। मनुख कदी नहीं ये रज सकता कि आ चीज़ चाहना, जिस दिन चीज़ मिल जाएगी मैं रज जावगा। नहीं, वो चीज़ मिल जाती है, मंजिल होर अगे चली जाती है। चीज़ उन्ना चिर वड्डी है जिन्ना चिर सानू मिली नहीं, जिस दिन सानू चीज़ मिल जाती है उस दिन ही वो चीज़ छोटी हो जाती है। गड्डी उन्ना चिर वड्डी है जिन्ना चिर शोरूम च खड़ी है, जदों शोरूम चों घर आ जाती है ना उदन ही वो गड्डी छोटी हो जाती है। फिर आखदा नहीं वो फलां गड्डी इस तो वड्डी, वो ठीक है। जदों घर आ गई गड्डी उस दिन ही छोटी हो गई, फिर नज़रां होर अगे चलिया गई, नहीं वो गड्डी ज़्यादा वधिया, वो वड्डी गड्डी अगली बार लवांगे। जिन्ना चिर कुर्सी नहीं मिली उन्ना चिर कुर्सी वड्डी है, कुर्सी मिल जाती है। अच कौंसलर बनिया नाल ही आखदे नहीं मेयर की चेयर वड्डी है, जिदन मेयर की कुर्सी मिलती है उदन आखदे नहीं मैं तो सीएम होना चाहता वा, मैं तो पीएम होना चाहना। ज्यों शुरुआत करद एमएलए तो शुरू करद, इनू एम पी की कुर्सी वड्डी लगती है, एम पी की चेयर मिल जाती उदन ही छोटी हो जाती है। नहीं एम पी तो बन गया हूँ सीएम होना चाहिए, फिर चीफ मिनिस्टर तक पहुँच जाता है, चीफ मिनिस्टर बनता फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाता है। मैं भी सफर में हूँ, मेरी मंजिल भी सफर में है, इस तरह तुरिया चला जाता है। जैसे मृग तृष्णा लो तावै मृग त्रिखावंत, आवत न शांत भ्रम भ्रमत हिरनो है। मनुख की दौड़ भी चलती चली जाती है, जिवें हिरन प्यास विच तड़पद है। चमकती रेत वाला पानी इनू कदी मिलता ही नहीं, चमकती रेत की चमक भी अगे तुरी जाती है, भी तुरिया जाता है, कदी भी इनू सरोवर नहीं मिलता तो रजदा नहीं है। सोचिया कुछ, कीता कुछ, मिलिया कुछ ते होया कुछ, यही इस तरह चक्कर है ना। सोचिया कुछ, कीता कुछ, होया कुछ, मिलिया कुछ। जो चाहता है वह हुंदा नहीं, जो हुंदा है वह पौंदा नहीं, ते जो पौंदा है वह रहिंदा नहीं, आके चला जाता है। इस चक्कर विच जिंदगी गुजर जाती है। इस चिंतावां ने की कीता मनुख नूं दुखी कर रखिया, चिंतावां दे चक्कर विच मनुख फस गया। सतगुरु पातशाह कहन लगे जीव क्यों चिंता करदा है, ए माया दे संबंधां दी दौड़ च दौड़ रहा है। चिंता ना कर, नह चिंता बनता सुतमीत है, प्रवृत्त माया संबंध ने। पुछे चिंता क्यों ना करिए, कल दी रोटी दा की बनेगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे दयाल एक भगवान पुरख है, जिहड़ा रब है ना वह दयालु है, तरस खाण वाला है। रब जरूर तरस खाएगा, भोजन देगा। वो पुरख है, मैंने वो कण कण विच है, वो तेरे अंदर बैठा है, कि वो तेरी भुख नहीं देख रहा,
उत्ते दया का घर है, तरस का घर है। पर याद रखियो, चिंता ऐसी चीज है, मनुख ते मनुख चिंता नू रब ने भी नहीं छड़िया, चिंता ने रब नू भी नहीं छड़िया, रब भी चिंता करता है। एक नहीं अनेक थावां ते गुरबाणी च लफज ने कहन लगे, जिस रब ने पैदा किया ना जीवां नू, चिंता वह भी करता है भी इन्हां नू रोटी देनी है। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, जिन जगत नू पैदा किया वह भी चिंता करता है कि मैं अपने इन्हां बच्चों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध करना है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, उन्हें भी चिंता है। ना कर चिंत, चिंता है करते, उस करते नू चिंता है, जिन्हें पैदा किया वह चिंता करता है। ना कर चिंत, चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सबते, अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखाणी है। हद हो गई इस चिंता ने, तो रब नू भी नहीं छड़िया। पर रब की चिंता विच ते मनुख की चिंता च फर्क है। चिंता असी भी करते हैं साड़ी रोटी का की बनेगा, चिंता रब भी करता है मेरे बच्चों की रोटी का की बनेगा, मैं प्रबंध करा। पर रब की चिंता ते साड़ी चिंता च एक फर्क है। असी चिंता करते हाँ, असी परवाह करते हाँ, रब चिंता करता है तो चिंता करके बेपरवाह है। इन्हां को फर्क है, एक होंगे परवाह, एक होंगी है परवाह, एक होंगे लापरवाह, एक होंगे बेपरवाह। यह तीन चीज़ां ने। उदाहरण के तौर पर बच्चा बीमार हो गया, पिता ऐसा है वह लापरवाह है, बच्चा रो रहा है, बुखार के तप रहा है, पिता जिहड़ा वह सोफे पर बैठा फिल्म देख रहा है, टीवी देख रहा है, उन्हें परवाह ही नहीं, वह है लापरवाह। दूजा पिता केड़ा है, दूजा पिता ऐसा है बच्चा बीमार है, तड़प रहा है बुखार के, दूजा पिता परवाह करने वाला है, उन्हें फटाफट बच्चे को चुकिया, चुक के हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने दिखाया, अंदर डॉक्टर चैकअप कर रहे हैं, ये बाहर बैठा रो रहे है कि बनेगा मेरे बच्चे का, ये बैठा रो रहा है, अंदर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रही है, ये बाहर बैठा रो ही चला जा रहा है कि बनेगा मेरे बच्चे का, ये परवाह कर रहे है। एक लापरवाह सी पिता, बच्चा तड़पता रहा, उन्हें परवाह नहीं मनी। दूजा परवाह करने वाला पिता है, वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट भी कर रहा, नाल रोई भी जा रहा बार बैठा। ते तीसरा पिता है बेपरवाह। बेपरवाह केड़े, बच्चा बीमार है, चुक के लै गया डॉक्टर के कोल, अंदर डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो बाहर बैठा बेपरवाह, मैं अपने फर्ज पूरे किए ने मालिका, हूँ डोर तेरे हाथ में है, रखना है रख, नहीं नहीं रखना ना रखी तेरे हाथ, जी जंत तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जो कराए सो करना, नानक दास तेरी शरणा। तेरे पैदा किते जीव ने डोरी तेरे हाथ है, तेरी अमानत है तेरे हाथ है, रखना है रख ली, नहीं रखना ना रखी तेरे हाथ। वो बेपरवाह है, अपने फर्ज पूरे कर रहे है पर चिंता नहीं कर रहा। रब भी अपने संसार के जीवन के भोजन का प्रबंध करता है पर चिंता नहीं करता, क्योंकि उन्हें दातों ही इनिया भर दतिया धरती दे विच, लोग लै लै थक जाते हैं, रब नहीं दिंदा थकता, इस करके वह बेपरवाह है। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै बेपरवाह। वो फिर भी बेपरवाह है, दे रहे है पर बेपरवाह होकर दे रहे है, अपने फर्जा तो पता ही नहीं करता। रब लापरवाह नहीं है, वो जीवन की रोजी रोटी का प्रबंध करता है, तो लापरवाह नहीं, वो बेपरवाह है, चिंतावां तो उच्चा है। सिखा जे चिंता तो बचना, दसा नुवां की किरत करी, हक की कमाई लैके आई, हक की कमाई लिया के अपने बच्चों मूँह च पाएगा, घट्टो घट चिंतावान तेरिया मुक जाएगा, तू बेपरवाह हो जाएगा। देखो दो शब्द ने गुरबाणी च, एक असी रहरा साहब च पढ़ते हाँ, काहे रे मन चित मैं उदम, जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ताका रिजक आगे करता रहा। काहे रे मन चित मैं उदम, दूजे पासे गुरबाणी आखदी है उदम करेंद्या जियो तो कमांद्या सुख पुंच। एक पासे कह दिता काहे रे मन चित मैं उदम, उद्दम क्यों चित वधाए, दूजे पासे कह दिता उद्दम करेंद्या जियो तू कमावद्या सुख पहुंच, ध्यानद्या तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। लगता भी आपो विरोधी गल्लां ने, एक पासे कहिंदे ने उद्दम कर, दूजे पासे कहिंदे ने भी काहे रे मन चित में उद्दम।
पर एक एक गुरबाणी के शब्द नूं ध्यान नाल पढ़िया जाए, एक एक अखर नूं समझ के पढ़ियो, भेद खुल जाणगे। ऐ सिखा उद्दम करी उद्दम चित दीना, इन्ना को फर्क है। उद्दम कर, उद्दम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पहुंच। उद्दम करेगा, कमाई करेगा, सुखी होएगा, पर उद्दम चित भी ना। काहे रे मन चित व्या उद्दम, चितवन का भाव चिंता ना करी जाई उद्दम दी, की बनेगा मेरे बच्चों का, की बनेगा रोटी का। उद्दम करे ना, एवें चिंता ही करी जाए भी कदों काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, मैं करा ना करा, चितवना मेरी चिंता करी जानी, सोची चले जाना। तू सोचता बहुत है की बनेगा रोजी रोटी का, बच्चों का, मेहनत तू करता नहीं, किरत तू करता नहीं, सिर्फ सोचता है। उद्दम का सोच ना, उद्दम कर। काहे रे मन चित वै उद्दम, उद्दम की चिंता क्यों करी चला जाना, तू उद्दम कर ही क्यों नहीं लैंदा। जो उद्दम करेगा उदो सुख मिल जाएगा, उद्दम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पहुंच। चिंता ना कर, बस तू अपने फर्ज पूरे करी चल, अपनी किरत करी चल। किरत करन वाले नू रब भुखा नहीं रहन दिंदा, प्रभ घालिया किसे का तिल ना गवाई। रब तेरी मेहनत नू फल लाएगा, तेरी मेहनत अजाई नहीं जान देगा। बैठ के वेले चिंता करन दी बजाए दसा नवां दी किरत कर ली, उद्दम कर ली, उस उद्दम चो रब तेनू सुख देगा। घट्टो घट बीज ते पा, ताई मालक फल देगा ना, बीज ही नहीं पाएगा तो फल किवें मिलेगा। चिंता करी जाए मैनू फल नहीं मिले, मिलता फल नहीं मिलता, किवें फल मिले। चिंता ना कर, तू एक बार बीज पाण दा उद्दम कर ले, रब उस रुख नू आप ही फल ला देगा। इनू कहते ने उद्दम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पहुंच। प्रभु दयालु है, वह हरेक की पालना करता है। सतगुरु पातशाह जी के बचन, दयाल एक भगवान है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जीव प्रतिपालक है। हे नानक, वो तो सारे जीवों की पालना करता है। तो दूजे पासे वो लोग ने जिहड़े धन जोड़ी ते चले गए, पर चिंतावां विच भी फस गए, कोई खो ना लवे। सतगुरु ने उन्हां दा पक्ष भी लै लिया। अनित्य वितंग अनित्य चिंतक चितंग अनित्य आसा बोबित प्रकारं। अनित्य वितंग अनित्य चितंग, वित आखदे ने धन नूं, धन अनित्य है, जिहड़ा नित नहीं रहिंदा, अज है कल चला जाएगा, अज कमाया कल खर्चा जाएगा, धन ने थिर नहीं रहना। अनित्य वितंग अनित्य चितंग, कहणगे चित भी थिर नहीं रहिंदा, जिवें चित भी दौड़दा है ना, यह भी धन भी दौड़दा चला जाता है। अनित्य आसा, आशावां जिहड़ियां वह भी नित नहीं रहिंदियां, वह भी बदल जांदियां ने। अज आस करदा है मैनूं आह चीज़ मिले, वह चीज़ मिल जाती है, दूजे दिन आस करदा नहीं फलां चीज़ मिले, मन कड़े एक चीज़ ते टिक जांदा है। आशावां भी अनित ने, व्यर्थ ने, चिंतावां भी व्यर्थ ने, धन भी व्यर्थ है। अनित्य वितंग अनित्य चितंग अनित्य आसा बहुविध प्रकारं, कई तरह दियां चिंतावां कई तरह दियां आशावां करनियां व्यर्थ हन। अनित्य हेतंग अहं बंधंग परम माया मलंग विकारं, कई तरह के हेत मैंने प्यार अनेक हितु आ मेरे प्यारे ने, कहना कि व्यर्थ प्यार है। अहं बंधंग हंकार का बंधन व्यर्थ है। परम माया, माया की भरम, माया की पटकना, यह व्यर्थ है। मलंग विकारंग, ये विकारां दी मैल पैदा करते ने। फिरंत जोन अनेक जठरागन नै सिमरंत, अनेक ते विश्राम है इत्थे। फिरंत जोन अनेक जठरागन नै सिमरंत मलीन बुद्धियंग, हे मैली बुद्धि वाले जीव, अनेक फिरंत जोन अनेक, अनेक जूनां तू भटकदा फिरदा है। जठरागन नै सिमरंत, जठर मैंने जठरागन, जठर मैंने पेट, अग्न मैंने अग, माता दे उत्तर दी अग तू चेते नहीं करदा। जठरागन नै सिमरंत मलीन बुद्धियंग, हे मैली बुद्धि वाले, जिस रब ने माता दे पेट दी अग तू बचाया, कि वह संसार दी चिंता दी अग तू नहीं बचाएगा। जैसी अग्न उधर मैं, तैसी बाहर माया, माया अग्न सब इको जिही, करते खिल रचाया, तुम एक ही अग है। माता दी उधर दी अग तो रब ने बचाया, उस संसार दी माया दी अग तो भी बचाएगा, चिंतावां तो भी बचाएगा। फिरंत जोन अनेक जठरागन नै सिमरंत मलीन बुद्धियंग, हे गोविंद करतमया नानक पतित उदाहरण साध संघ में। हे गोविंद, हे प्रभु, करतमया मैंने मेरे ते मया कर, मेहर कर। माया विछोड़ती है, मया जोड़ती है। माया जो मम्मे नूं कन्ना लग जाए ना, माया ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै पाओ दूजा लाया, ए प्रभु तो विछोड़ दिंदी है, विसार दिंदी है। ते मया मैंने मेर,
ते मेर प्रभु नाल मिला दिंदी है, प्रभु नाल मिलांदी है। मेर किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम, एक कृपा मिलांदी है। इस करके प्रभु मया कर, हे गोविंद करत मया, नानक पतित उदाहरण साध सिंह में, हे नानक विकारा विच डिगे हुए जे साध संगत विच आ जाण ते ओ प्रभु उन्हां नूं उच्चा चुक दिंदा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दिप्य बैसवंत रै, गिरंत गिर पतित पातालं, गिरंत गिर मैंने कोई कठिन तो कठिन साधना करे इन्हां चिंतावां तो बचन वास्ते, धर्म वाले पासे तुर पवे, कर्म कांड करी जाए। गिरंत गिर पतित पतालंग, गिर गिर आखदे ने पहाड़ नूं, पहाड़ तो छाला मारे पताल विच जाके डिग जाए, नीवी थां ते छाल मारे। जलंत दे दीपे बैसवंतरै, बिसवंतरै मैंने अग दे विच सड़ जाए, अपने आप नूं साड़ दे। बहंत अगाह तोयंग तरंगंग, पानी दीआं लहरां दे विच अपने आप नूं डोब लवे, बह जाए। बहंत मैंने वह जाए, अगा मैंने अंतां दे, तोयंग तरंगंग पानी दीआं लहरां दे विच वह जाए। तावी दुखांत ग्रह चिंता जन्मंगता मरने, आ घर दीआं चिंतावां नहीं मुकदियां, इहो जे कर्म कांड कीतियां शरीर नूं कष्ट दित्तियां, मनुख जन्मा मरना तो बचदा नहीं है। अनेक साधिंग ना सिद्धते, अनेकां साधना दे नाल इह नहीं चिंतावां बस विच आउंदियां, दुख नहीं मुकदे। अनेक साधन ना सिद्धते, पुछिया फिर की तरीका है जन्म मरण तो बचन का, की तरीका है घर परिवार दीआं चिंतावां दुखां तो बचन का, की तरीका है। सतगुरु ने तरीका दसिया, नानक अस्थंभं 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 शब्द साध सवजने, बस आ तरीका है। थम आखदे ने पिलर नूं सहारा आसरा, बस इक्को ही अस्थंभं इक्को ही आसरा है, वो आसरा है शब्द साध सवजने। गुरु दे चरणां विच आ जाई, गुरु दा शब्द ही एक आसरा है। जदों गुरु दा शब्द तेरे मन नूं मिल जाएगा ना, ये डोलदा पटकदा मन तेरा टिक जाएगा। सुखमनी साहब जी पढ़ते हैं ना असीं, ज्यों मंदर कहो थम मैं थमन, त्यों गुरु का शब्द मन अस्थंभन अस्थंभन मैंने थमला। जिवें मानो छत नूं थमला टिका के रख दे, इस डोल दे डिगदे मन दी छत नूं शब्द टिका दिंदा है। ज्यों मंदर को थम मैं थमन, त्यों गुरु का शब्द मन अस्थंभन डिगदे डोल दे मन नूं शब्द टिका दिंदा है। अस्थंभं 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 शब्द साध सवजने, साध संगत चा के शब्द नाल जुड़ जाई, शब्द तेरे मन नूं टिका देगा, एकाग्र कर देगा, चिंतावां नूं मुका देगा। पंचम पातशाह दे जीवन नूं देखो, कदी जिस दिन गुरता गद्दी ते बैठे सी, पृथ्वी चंद ने लंगर दी नाकाबंदी कर दित्ती कि गद्दी जरूर मेरा निक्का वीर लै गया है, पर चढ़ावा नहीं ले जा सकता। पृथ्वी चंद ने आप चढ़ावा सामना शुरू कर दिता। मसंदा नूं इन्हें पहले ही कह दिता भी जिहड़ियां संगतां चढ़ावा भेटावां लैके आण उन्हां तों लै लो, ते संगतां तों भेटावां लै लैणियां पृथ्वी चंद ने, ते संगतां ने सतगुरु दे दर्शन करने, लंगर हाल विच जाणा, लंगर छकणा। हुण चढ़ावा आना बंद हो गया, सुभावक लंगर विच थोड़ पैदा हो गई। एक महीना लंघिया, दो महीने, चार महीने लंघे, छे महीने लंघे, लंगर पकना बंद हो गया। हुण लोकां नूं की पता, संगतां नूं की पता, दुनिया नूं की पता कि चढ़ावा ते सारा पृथ्वी चंद लै जांदा, ते संगतां लंगर छकदियां ने पंचम पातशाह दे दीवान लंगर हाल दे विच, ते दिनों दिन लंगर कटना शुरू होया। इत्थों तक हालत पैदा हो गई कि लंगर दे विच छोलियां दा मोटा आटा पकना शुरू हो गया। एक समा आया रुखे प्रसादे, एक समा आया सब्जियां बननियां बंद हो गईयां, प्यास दे नाल अचार दे नाल लंगर वरतना शुरू होया। लंगर दी नाकाबंदी कर दित्ती पृथ्वी चंद ने, संगतां हैरान होंदियां ने भी लंगर क्यों नहीं गुरु नानक दा पकदा। रात दे बए प्रसादे, छोलियां दे मोटे आटे दीयां रोटियां, जां प्यास दे नाल अचार दे नाल लंगर, पर दुनिया नूं इह नहीं पता कि चढ़ावा सारा पृथ्वी चंद लै जांदा, लंगर किवें पके। याद रखियो उदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी शांत चित रहे, खिड़े रहे, चिंता नहीं कीती की बनेगा लंगर दा। इन्ने शांत चित रहे, उन्होंने अपनी सुपत्नी अपने महल माता गंगा जी नूं किया, जिन्ने घर दे जेवर ने सोने चांदी दे वेच दिओ,
माँ गंगा जी ने अपने गहने वेच के लंगर चलाया सी गुरु नानक दे घर दा। लंगर चलता रहा, गहनिया की माया भी खत्म हो गई, गहने सारे विक गए। लंगर कुछ दिन बाद फिर पकना बंद हो गया, लंगर फिर बंद हो गया पकना। हुण की करिए? भाई गुरदास जी आगरे गए हुए सन सिखी प्रचार वास्ते, ते आगरे उन्हां नूं खबर मिली सी कि गुरु रामदास पातशाह प्याना कर गए ने ते पंचम पातशाह गद्दी ते बैठे ने। उसे पैरी, क्योंकि खबर पहुँचदिया भी कई महीने लग जाते सन, जिन्ना चिर नूं खबर पहुँची उन्ना चिर नूं पृथ्वी चंद लाकाबंदी करी बैठे, ते भाई गुरदास जी सिखी प्रचार करते करते वापस आए, अमृतसर साहब की धरती आए। सफर करके जो लंगर हाल में लंगर छकन वास्ते पहुंचे, भाई गुरदास जी बैठे ने पंगत में, हाथ अड़िया सेवादार ने रात का बया प्रशादा हाथों पर रखिया, नाल प्याज रख दिता। देख के हैरान हुए सेवादारा, अज लंगर नहीं पक्या? सेवादार आखद भाई गुरदास जी अज की गल करते हो, कई दिन हो गए लंगर नहीं पक्या, जो कितों रुखे मिसे प्रशादे आ जाते ने, बरता दे ने, मोटा छोलिया का आटा कई बार वह पका के बन दे, सब्जी तो कई दिन हो गए बनी नहीं, अचार नाल ते प्याज नाल ही कम सरी जाता है। अच कहने लंगर नहीं पकिया, कई दिन हो गए नहीं पकिया। कह लगे भी क्यों? कह लगे भाई साहब की दसीए, सारा चढ़ावा पृथ्वी चंद लै जाता है, सतगुरु ने तो अपने महलों के गहने भी वेच के लंगर चला के देखिया, गहने भी मुक गए ने, हुण की करिए? भाई गुरदास दी अखां चों हंझू आ गए। वाह, ओ गुरु नानक पातशाह दा लंगर जिहड़ा नित रसोई तेरी है घिओ मैदा खाण, ओ लंगर जिहड़ा लंगर चलिया गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी है, ओ शब्द दा लंगर, दूजे पासे ओ खीर दा लंगर कि लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली। गुरु नानक पातशाह दे लंगर नूं अज की हो गया? उठ के गए बीबी भानी जी कोल, कहन लगे भैण ये की गल होई? बीबी भानी आखते ने वीर की दसीए, सतगुरु ने तो अपना समान भी कीमती वेच दिता, किन्ना कुछ लंगर चला दे रही है। रिश्तेदारी विचों बीबी भानी जी भाई गुरदास जी के भैण लगते ने, गुरु अर्जन देव पातशाह के मामा जी ने भाई गुरदास जी। कहन लगी की दसीए? भाई गुरदास जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं नाल लिया, भाई सालो जी नूं नाल लिया, बाबा मोहरी जी नूं नाल लिया, पृथ्वी चंद कोल गए। पृथ्वी चंद ये काम ना कर, गुरु नानक के घर का लंगर क्यों बंद कर दें? वो मनिया नहीं, कह लंगा चढ़ावे तो मेरा हक बन दे। भाई गुरदास वापस आए, उन्होंने अमृतसर दियां चारे दिशावां दे चारे रस्तियां दे उपर सिख बिठा दिते, आप वो पुतली घर वाले पासे जाके बह गए, तो जिहड़ी भी संगत आती सारी संगत नूं कहना शुरू कर दिता कि जिन्हें गुरु अर्जन देव पातशाह की गुरु नानक की खुशी लैनी है, वह सीधा गुरु चरणा च भेटा रखे, रस्ते च किसी नूं ना फड़ाए। सिख संगतां ने भेटावां सीधा सतगुरु के चरणा च रखनिया शुरू कर दित्तियां। किसी इतराज़ किया तो भाई साहब ने कह दिता कि पृथ्वी चंद को खाली हाथ जाके देखो तो पंचम पातशाह को खाली हाथ आके देखो, पता लग जाएगा फर्क। जे कोई पृथ्वी चंद को सिख खाली हाथ गया, पृथ्वी चंद ने देखा खाली हाथ आया है तो बुरे भले बोल बोलता गालां कढ़दा भजा दिता, तो जे कोई पंचम पातशाह को खाली हाथ आया, सतगुरु शांत चित बैठे ने आशीर्वाद दे रहे ने, गुरबाणी का उपदेश कर रहे हैं, संगतां समझ गई, पाज उगड़ गया। हुण सीधी भेटा पंचम पातशाह के चरणों में आनी शुरू हुई तो लंगर पकना शुरू हो गया। पर याद रखियो, जिन्ना चिर लंगर नहीं पकिया गुरु ने चिंता नहीं की, शांत चित बैठे रब्बी याद जुड़े रहे। सचमुच जिदन आ चिंतावान असी रब से छड़ देंगे कि सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, उस दिन साड़िया चिंतावान मुक जाएगियां। इको तरीका चिंतावान मुका है बाणी नाल जुड़ जाना, बाणी मुताबक जीना, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साज विखाना, होइया भुलां खिमा करनिया जी, मिल के फतेह पिलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।